दर्दनाक सड़क हादसा है वो सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक मिनी बस में सवार जो श्रद्धालु थे वो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे और उसमें बैठे एक ही परिवार के 7 लोगों की इस सड़क हादसे में दर्दनाक है वो मृत्यु हो गई। उन्हें क्या पता था कि वो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए तो जा रहे हैं लेकिन वो घर है वो वापिस है वो नहीं लौटेंगे। आखिर ये दर्दनाक सड़क हादसा कैसे और कब हुआ इस खबर को मैं आपको पूरा डिटेल में सुनाऊंगी। आप भी कमेंट बॉक्स में ओम शांति है बुजुर्ग रखिएगा। नमस्कार, मैं LBJ के सनराइज। जम्मू नेशनल हाईवे पर शुक्रवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में एक परिवार के 7 लोगों की है वो मौत हो गई और इस घटना में 20 से ज़्यादा लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं जिनका फिलहाल अम्बाला के अस्पताल में इलाज है वो चल रहा है। हादसा जो है अम्बाला में हुआ है। मिल रही जानकारी के अनुसार ये हादसा मिनी बस के ट्रक से टक्कर की वजह से है वो हुआ है। पुलिस की जांच में पता चला है कि हाईवे पर ट्रक ने एकाएक ब्रेक लगाया था इस वजह से पीछे आ रही मिनी बस है वो उससे है वो पीछे से है वो टक्कर आई। और पुलिस के अनुसार यूपी के बुलंदशहर में श्रद्धालु माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए थे मिनी बस में थे वो जा रहे थे और हादसे में बार बार बचे अन्य लोगों ने बताया है कि उनकी मिनी बस से आगे चल रहे ट्रक ने अचानक है वो ब्रेक लगा दी और जिस वजह से मिनी बस की टक्कर जो है ट्रक से टक्कर हो गई। और इस घटना में जिन 7 लोगों की मौत हुई है वो सभी एक ही परिवार के हैं वो बताए जा रहे हैं। और पुलिस के अनुसार घटना में घायल 3 लोगों की जो मृत्यु है वो घटना स्थल पर ही वो हो गई थी जबकि जो 4 लोग ने जो अस्पताल में उपचार के दौरान है वो अपना दम है वो तोड़ दिया। और अम्बाला के पहाड़ थाने के SHO दिलीप ने बताया है कि डॉक्टरों के अनुसार अभी तक इस हादसे में 7 की है वो मौत हो चुकी है जबकि कई की जो हालात है बेहद गंभीर हैं। इन लोगों की स्थिति ज़्यादा गंभीर है उन्हें जो है पास के जो बड़े अस्पताल में है वो रेफर किया गया है। वहीं इस घटना में घायल लोगों में कुछ का जो इलाज है सिविल अस्पताल में है वो चल रहा है तो कुछ घायलों को उनकी हालत को देखते हुए निजी जो अस्पताल में है वो शिफ्ट किया गया है। तो काफ़ी गंभीर ये हादसा है जो सामने आया है। वो सभी जो श्रद्धालु थे वो माता वैष्णो देवी एक अच्छे काम के लिए माता वैष्णो देवी के वो दर्शन के लिए जम्मू जाने की कटरा थे वो जा रहे थे लेकिन उन्हें क्या पता था कि रास्ते में उनके साथ इतना बड़ा भीषण हादसा है वो हो जाएगा। वो माता वैष्णो देवी दर्शन घर से करने के लिए निकलेंगे लेकिन वो वापस है वो नहीं जो है लौट पाएंगे। और उनके जो परिवार के 7 लोग एक ही परिवार के जो 7 लोगों की है वो मृत्यु हुई है। तो आप भी कमेंट बॉक्स में हैं ओम शांति है बुजुर्ग रखिएगा और तमाम बड़ी अपडेट के साथ बने रहें JK सनराइज के साथ।